हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यामिनी गुप्ता रेसिपीज। आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाले साबूदाने के वड़े। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। आप इंग्रेडिएंट्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी साबूदाना। इसे हमें भिगोना है। इसे हम खुले बर्तन में भिगोएंगे और बर्तन के ऊपर तक हम पानी डाल देंगे। इसे हम कम से कम 2 घंटे के लिए ढककर रखेंगे और 2 घंटे बाद जब हम देखेंगे तो साबूदाना फूल चुका होगा। अब इसे हम 2-3 पानी में धो लेंगे और फिर निचोड़ लेंगे। इस तरह से साबूदाना लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 आलू जो मैंने बॉईल किए हैं और उसे मैश कर दिया है, 1/2 चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च कटी हुई, व्रत में खाने वाला नमक 1.5 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, चुटकी भर भुना जीरा पाउडर और चुटकी भर गरम मसाला। इस पर डालेंगे कटे हुए धनिया के पत्ते और भुनी हुई मूंगफली जिसे मैंने आधा क्रश कर लिया है। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आलू की वजह से इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। वड़े वैसे तो आप कोई भी शेप के बना सकते हैं, मैं इसे गोल शेप में बना रही हूँ। इसे हम साइड से शेप देंगे और आगे से ऊपर से इसको प्रेस करेंगे। बस इस तरह से हम सारे वड़े बना लेंगे और फिर तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करेंगे। वड़े डालने के बाद हम तुरंत करछी नहीं घुमाएंगे, इसे हल्का सा रेड होने देंगे और फिर इसे पलटेंगे। इसे हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने देना है और फिर इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। बस इस तरह से हम सारे वड़े बना लेंगे। इतने साबूदाने में कम से कम 16 से 17 वड़े बनेंगे। हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और गोल्डन ब्राउन साबूदाने के वड़े बनाएंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी और बढ़िया से साबूदाने के वड़े बने हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।